वाजिद भाई ऑलवेज यूज टू से कि भाई गाना याद करके गाना, जब तुम याद करके गाती हो इट्स योर सॉन्ग, अगर तुम पढ़ के गा रही हो ये तो म्यूजिक डायरेक्टर का गाना हो गया, या एक आध गाना टाइटल में दे दिया या लास्ट में नंबरिंग में दे दिया, दैट्स इनफ फॉर रियलिस्टिक मूवी व्हाट आई फेल्ट। स्टिल वो मूवी पता चलता था कि यार ये फिल्म है, ये फिल्मी डायलॉग चल रहे, वो चीज थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है व्हाट आई फील। या नदीम श्रवण तक भी एक टीम वर्क था, समीर अंकल एंड नदीम श्रवण लाइक एक टीम थे, एक पैकेज थे, यू नो। ये बोलूं कि नहीं बोलूं, अरे बोलूं कि नहीं बोलूं, तो बोलूं कि आप बोलूं, फिर भी राजी रहे खुदाई, दिल वालों की यही कमाई, कहने ने हर बार यार दुआ यार दुआ। ममता शर्मा, वेलकम बैक ऑन बॉलीवुड हंगामा। थैंक यू सो वेरी मच। ये एक प्लीज आप बात बताएं कि मैं पढ़ रहा था और मुझे पता चला कि आपने डिसाइड किया है कि आप फिल्मी गानों से ज्यादा आप प्राइवेट सॉन्ग्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ये कुछ कुछ सच है, कुछ कुछ नहीं है। फिल्मी गाने अपनी जगह है, मतलब इट हैज अ डिफरेंट प्लेस एंड इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बट यस, इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो मुझे मजा दे रहा है, आई थिंक बॉलीवुड में मैं अपने आप को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई। मूवी का अपना चॉइस होते हैं, डायरेक्टर्स के अपने इमेजिनेशन होते हैं, उसके हिसाब से सारा म्यूजिक किया जाता है बॉलीवुड में। एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज आजाद, जैसा कि उसका नाम है, इंडिपेंडेंट है वो, आजाद है, नो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, एंड आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं वहां पे, यू नो। आप बंदिश में नहीं होते किसी स्क्रिप्ट की या किसी स्टोरी की, यू नो, किसी की इमेजिनेशन में आप बंधे हुए नहीं होते। इस आउट एंड आउट सिंगर का प्रोस्पेक्टिव होता है कि वो उस गाने को कैसे देख रहा है, कैसे गाना चाहता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉलीवुड एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक। एंड ये कारण है कि यस, नाउ डेज आई एम लविंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक मोर देन बॉलीवुड। मैं ये भी पढ़ रहा था कि उसमें आप आपको ये लगता था कि आपको स्टीरियोटाइप किया जा रहा है, कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप के आपको जो गाने हैं हाई पिच और यू नो डांस नंबर्स, आपको वो आपको ज्यादा आपको ऑफर हो रहे हैं एंड आप बेसिकली वर्सेटिलिटी में बिलीव करती हैं एंड यू वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। सो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज हेल्पिंग यू इन दैट। यस यस ऑफ कोर्स। और स्टीरियोटाइप मतलब कहना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। ये क्या होता है, मैं बड़ी अच्छी सी एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कि अगर एक दुकान रसगुल्ले के लिए फेमस हुई है तो वो दुकान पर रसगुल्ला ही बेटर रखेगा ना हलवाई, वो बर्फी दूसरा दिन नहीं रख देगा। ही विल एक्सपेरिमेंट इट आफ्टर मे बी 5 years 10 years कि चलो अभी रसगुल्ला हिट है, लेट अस ट्राई बर्फी। सो इट्स लाइक दैट कि अगर एक सिंगर एक जॉनर में हिट होते हैं तो एवरीबडी वॉन्ट्स एंड ट्राई कि वो उसी जॉनर के गाने उनसे और ज्यादा सुने जाएं और ज्यादा, बिकॉज ऑडियंस वैसा एक्सपेक्ट करती है। सो इसलिए कोई एक्सपेरिमेंट उतना जल्दी करते नहीं है। नाउ डेज इट्स हैपनिंग अ लॉट आई थिंक, बट स्टिल बॉलीवुड में थोड़ा सा है कि जिसका एक जॉनर हिट होता है उसको उसी टाइप के गाने ज्यादा मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत कम किया जाता है विद सिंगर्स, मतलब स्पेशली। तो इस टाइप से मुझे एक ही टाइप के गाने काफी सारे मिल रहे थे, लगातार मिल रहे थे। तो जब हम स्टेज पे गाते थे तो मुझे लगता था यार सिर्फ डांस नंबर्स है, मतलब ओपन होते ही इट्स लाइक धमाका धमाका एंड धमाका। सो जब मैं स्टेज पे मेलो सॉन्ग्स गाती थी तो एवरीबडी इज लाइक, अरे यार आप ये भी अच्छा गाते हो, ये डिफरेंट आपका वॉइस साउंड करता है। एंड दैट वाज द रीजन, रिमाइंड यू, कि ललित सर ने मुझे बोला था कि तुम अच्छा सा मॉड्यूलेट करती हो वॉइसेस, लेट अस मीट। तो दैट वाज द पार्ट व्हिच आई वाज मिसिंग, कि यार बॉलीवुड में आई एम नॉट एबल टू यू नो एक्सप्रेस माय सेल्फ एज अ सिंगर मोर। तो इस वजह से इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अभी जैसे कि मेलो सॉन्ग्स हम कर रहे हैं कुछ एक टाइम से, एंड लास्ट टाइम भी मेरा यारा जो है दैट इज 267 million इन 1.5 year। एंड अभी जो लेटेस्ट रिलीज हुआ है यार दुआ, इट्स लाइक 3 weeks में इट्स 11 million प्लस। सो दैट्स रियली अ बिग अचीवमेंट। एंड उससे बढ़िया सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है पता है फरीदन, सभी लोग जब बोलते हैं कि ये आप ही ने गाया, ये मुन्नी बदनाम आप ही ने गाया, एंड दे वांट टू हियर इट यू नो लाइव, कि आप एक बार मुन्नी गा के बताओ एंड एक बार आप प्यारा गा के बताओ या यार दुआ गा के बताओ, बिकॉज दे डोंट बिलीव कि ये एक ही बंदे की आवाजें हैं। तो यू नो द वेरी वेराइटी इन द साउंड वॉइस क्वालिटी, तो बड़ा बड़ी खुशी होती है कि यार वाह यार लोग बिलीव ही नहीं करेंगे मेरी ही वॉइस है। So that is something really exciting.
it's a I think a very respectable step on your part that you know you want to make a statement, you want to prove a point that I've been on the top when it comes to like the numbers, but there is more to me than what people think that is there. But at the same time, kya hota hai ki industry jo hai bahut de raha hai main. अभी मेरी कुछ दिनों पहले मेरी हाँ। शान से मेरी बात हो रही थी, तो अब शान ने इतने कमाल के उन्होंने गाने गाए हुए हैं, लेकिन ये है कि हम ऑफ लेट जो हैं हम फिल्मों में उनके गाने नहीं सुनते, तो वो अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं प्राइवेट सॉन्ग्स के ऊपर, वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि मैं कुछ फिल्मों मैंने करी जो भी। तो क्या होता है कि ये एक बहुत से सिंगर्स आई थिंक मेरे ख्याल से इस वजह से भी जो आता है वो करते रहते हैं बिकॉज सर्कुलेशन में रहेंगे, तो दैट समथिंग व्हिच इज हेल्पफुल। कैसे देखती हैं आप इसको कि दैट ये एक डबल एज सोर्ड है, गैम्बल है, जुआ है। बेरहमी से मेरा मुराद ये है कि इन द सेंस कि जो दिख रहा है वो बिक रहा है, एंड पहले जैसे था कि आशा जी, लता जी, रफी, किशोर कुमार, दे हैड अ वेरी लॉन्ग इनिंग, द म्यूजिक डायरेक्टर्स दे केप्ट ऑन कमिंग बैक टू देम। अभी क्या है कि यहाँ पर अभी क्या है कि नए लोग आ रहे हैं तो नई वॉइसेस चाहिए, सो एवरीवन इज गेटिंग टायर्ड ऑफ even though voices are there, we don't get to hear KK as much as we should, as you would want to. We don't get to hear Kunal Ganjawala, for example. He's such a fabulous singer, but we don't hear him anymore. True. So I'm saying from that perspective. Amazing. From that perspective. Mm-hmm. Uska jo reason mujhe lagta hai, you know, hamara movies are changing. If you will see to the movie stories ya uske concepts jo agar aap dekhenge, it's becoming too much realistic. एंड जब आप टू मच ऑफ रियलिस्टिक मूवी बनाते हैं तो आई थिंक उसमें म्यूजिक का बहुत ही कम स्कोप होता है, हार्डली ही कोई स्कोप होता है, या तो बैकग्राउंड में यूज करते हैं या एक आध गाना टाइटल में दे दिया या लास्ट में नंबरिंग में दे दिया, दैट्स इनफ फॉर रियलिस्टिक मूवी। व्हाट आई फेल्ट कि नाउडेज जो सिनेमा चल रहा है दैट इज नॉट फिल्मी जैसे चलता था, यू नो, एकदम मूवी लगती थी, लाइक यू फील, मतलब आप कनेक्ट भी करते थे उससे, बट स्टिल वो मूवी पता चलता था कि यार ये फिल्म है, ये फिल्मी डायलॉग चल रहे हैं। वो चीज थोड़ा थोड़ा मिस हो रहा है, व्हाट आई सी वो चेंज हो रहा है, एकदम रियल लगता है, एकदम रियल टॉक्स लगते हैं, एंड कोई सपने नहीं, कोई ड्रीम्स नहीं, डायरेक्ट गाना हो रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है, थोड़ा बहुत कहीं चल रहा है, तो सो दैट इज द रीजन कि एक तो पहली बात कि सिंगर्स को हम कम सुन पा रहे हैं, एंड उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक इसलिए भी बहुत ज्यादा आ रहा है बिकॉज अगर आप देखें तो म्यूजिक डायरेक्टर्स आर ऑल्सो चेंजिंग। ये पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्या होता था कि एक टीम हुआ करती थी, इट्स फ्रॉम आरडी बर्मन साहब के जमाने से, या आप देखिए मदन मोहन जी के जमाने से, आप देखिए एक टीम हुआ करती थी, टीम वर्क, बपीदा का एक टीम वर्क था, या नदीम श्रवण तक भी एक टीम वर्क था, समीर अंकल एंड नदीम श्रवण, लाइक एक टीम थे, एक पैकेज थे, यू नो, तो जब भी टीम वर्क होता है ना तो इट कम्स आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब वो मजा ही अलग है, जैसे आप और अगर मैं गप्पे लगा रहे हैं तो उसका मजा अलग है, और वही आप अगर कैमरे के सामने बोले ममता आज मुझे तुमसे बात करनी, तो मैं सोचूंगी ये बोलूं कि नहीं बोलूं, अरे बोलूं कि नहीं बोलूं, तो बोलूं कि आप बोलूं, तो वो सब चीजें आ जाती है, तो ये फॉर्मल हो जाता है हल्का सा। और जहां पे फॉर्मैलिटी आती है स्पेशली इन आर्ट, अगर आप एक्टर्स को देखें वो अगर फॉर्मल हो जाएंगे यू वोंट गेट द वाइब, यू नो, द रियलिस्टिक वाइब नहीं मिलेगी। सेम इज विद म्यूजिक, व्हाट आई फील कि जब तक वो झलक नहीं होता है ना तब तक वो फील नहीं आती है। So that is the reason मुझे लगता है कि अभी जो new music directors है उनकी जो team है they are working with that team, what I felt, and they are like कि अच्छा ये okay ये किए हैं but मैं इनको ये नहीं बोल पाऊंगा, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, शायद वो ऐसा thought लेके चलते हैं, due to that they are not you know connecting with the good singers which we have still, as you mentioned KK is fantastic singer, मतलब I myself am a fan of him, and Kunal Ganjawala, what a voice he has got, I just love these singers, Kavita ji, Kavita Seth has such a nice voice texture, so all these, even Richa Didi, she has such a fabulous voice, so I'm like I love voices, मतलब मैं मुझे voices से ज़्यादा प्यार होता है, गाना तो है ही, of course lyrics है, tune है, but singer जो उसमें कहना चाहिए ना कि आपने पूरा बुत बना लिया है, उसमें जो सांस फूकने का काम है वो आवाज करती है, तो गाना पूरा रेडी है, उसमें किसकी सांस आप फूक रहे हैं दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हाट आई फील, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ड्यू टू दैट, वो जो पुराना सर्कल था दैट ओल्ड सर्कल इज नॉट वर्किंग, ड्यू टू दैट दो सिंगर्स आर नॉट वर्किंग, व्हाट आई फील दिस इज द रीजन, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन यार, हर किसी की टीम जब चलता है कॉम्पिटिशन तो टीम फाइट करती है, एंड आई एम ओके विद इट, बट आई थिंक पीपल शुड बी मोर ओपन, कि वो ये ना सोचे कि हम बोल नहीं पाएंगे, दे शुड थिंक कि हमारी कॉम्पोजिशन को कौन सही से निभा पाएगा,
है ना। देखो मिठाई इंडिया में भी अच्छी मिलती है, अमेरिका में भी मिलती है। अमेरिका में जो टेस्ट है वो इंडिया का, आप दिल्ली का खाइए और अमेरिका का खाइए, यू विल नेवर एवर गेट दैट दिल्ली वाला टेस्ट इन अमेरिका। हालांकि सेम हलवाई हो सकता है, सेम इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस यू नो। सो आई थिंक ये कंसिडर करना चाहिए। जैसे शानदादा की वॉइस है, सोनू निगम जी की वॉइस है, मतलब दीज पीपल आर लाइक हैव मतलब लवली टेक्स्ट है, वो कुछ भी गुनगुना देते हैं ना, इट जस्ट टचेस द हार्ट। मैं ये भी पढ़ रहा था कि आपके जो फेवरेट सिंगर है वो आशा भोसले जी हैं, बिकॉज बहुत वैरायटी है उनके वहाँ, फास्ट पेस नंबर्स और वो कहती हैं ताजे ताजे तवाने गाने, आशा जी से ताजे तवाने गाने, कमाल अमरोही ने ताजे तवाने, दैट्स गुड वर्ड। तो कमाल अमरोही साहब ने उनको फोन किया उमराव जान के रिलीज होने के बाद में, और उनको फोन पे उन्होंने बोला कि बीबी हमें तो लगता था कि आप बस ताजे तवाने आप गाने गा सकती हैं, तो लगता था कि आप सिर्फ ताजे तवाने गा सकती हैं, लेकिन आपने उमराव जान में तो आपने बिल्कुल एकदम कमाल कर दिया, आपने बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। मैं आशा जी से इसलिए भी कनेक्शन फील करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है पता है जो मेरे संग जैसे ये मुन्नी बदनाम के बाद सेम सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स मुझे मिले हैं, आशा जी को भी एक टाइम तक वो सेम टाइपकास्ट किया गया था, एंड आफ्टर दैट शी ब्रोक इट, एंड टुडे शी इज लाइक शी कैन सिंग भजन ऑल्सो वेल, शी कैन सिंग गजल ऑल्सो वेल, एंड शी इज लाइक versatile, she is like a flower bouquet of every sort of flower she has in that, so wo bahut mazedar baat hoti hai you know, and isliye she is my idol, matlab I love Lataji's voice also, matlab ye to chand aur suraj wala baat hai, main hamesha bolti hu ki agar aap mujhe bolenge ki selection karna hai to nahi baba, chand bhi zaruri hai suraj bhi zaruri hai, lekin I am like personally if I look up to, main Asha ji ko zyada dekhti hu, I feel more inspired, unki variety aapko appeal karti hai, so yaar dua is a step in that direction you can say. Mujhe hamesha se lagta hai na Faridun ji, matlab music is something to be felt from the heart, it's nothing to do with higher chords lower chords. Reshma ji ko aap suniye kitna zyada touch karti hai, to matlab ye music mere liye, main kabhi bhi ye soch ke nahi gaati ki aaj main ye wala note pick kar lungi ya ye mere ko dikhana hai ki I can sing this also, I think wo ye soch ke main kabhi gaati hi nahi, what is going on in my mind I am singing, agar main line ga rahi hu padni ishq padhai ya pe is din koi kitab, दिल लगाया यार से ते की करना है हिसाब, दुनिया सारी छोटे लग दी इश्क दे अके छोटे लग दी, यार दी सूरत चोखे लग दी, दिल के ना हर बार यार दवा इश्क दी जग लग जाए हवा। मुझे मैंने पहले भी बताया था कि वाजिद भाई से मैंने ये चीज सीखी थी कि वाजिद भाई ऑलवेज यूज्ड टू से कि भाई गाना याद करके गाना, जब तुम याद करके गाती हो इट्स योर सॉन्ग, अगर तुम पढ़ के गा रही हो ये तो म्यूजिक डायरेक्टर का गाना हो गया या लिरिसिस्ट का गाना हो गया, इफ यू रिमेम्बर दिस सॉन्ग देन यू कैन कनेक्ट विद पीपल एंड दैट दोज वर्ड्स विल ऑलवेज बी हियर, एंड मैं हमेशा याद रखती हूँ उसको कि जब तक गाना याद नहीं होता ना यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट वेल। जगजीत जी की मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जगजीत जी का ऑब्वियसली उनका एक स्केल था जो हमने सारे सुनी है, लेकिन मैंने जगजीत जी को मैंने लाइव सुना है दिल्ली में, एंड ही वाज हिटिंग वेरी हाई नोट्स इन हिज लाइव सिंगिंग, यू नो लाइव सिंगिंग में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे कि मेडियसन साहब पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, हां लाइव मैंने भी देखा है, ही वाज हिटिंग वेरी हाई नोट्स, एंड आई वाज लाइक दैट व्हाई इज इट दैट ही इज नॉट एक्सपेरिमेंटेड विद दीस नोट्स इन हिज स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स, बिकॉज़ It's such a different variation to his singing. So मैं भी एक किताब पढ़ रहा हूँ, अभी मैंने किताबें खत्म करी है गुरुदत्त साहब के ऊपर, an unfinished life. तो मुझे उसमें गीता दत्त जी के बारे में मुझे बहुत सी चीजें पता चली, और मैंने रियलाइज किया कि she does not get the due credit that she deserves. 50s or 60s में she has had some phenomenal songs. Beat Pyasa, Beat CID, too many songs. Yeah. She's had some amazing songs. Do you also look up to her? Because आपका जो voice texture है मुझे लगता है कुछ हद तक गीता जी का playful element है। It's the same thing कि पहले movie आती है, अगर back to back आ जाती है आप गुमनामियों में खो जाते हो you know, but it's the very rightful thing what you just said कि गीता दत्त जी में एक अलग एक huskiness of the voice था, और जैसे कि आपने कहा कि आप भी आवाजों से प्यार करते हैं, इफ यू विल रियलाइज मतलब आप जब बैठेंगे सुकून में तो आपको भी पता चलेगा कि इट्स द वॉइस विच पुल्स यू,
सेकेंड कम्स द टेक्निक्स एंड द सिंगिंग क्वालिटी एंड द थर्ड कम्स ट्यून एंड लिरिक्स की भी क्या थे। सबसे पहले आपको अगर रोकेगा तो किसी की आवाज रोकेगी कि मतलब कहीं गाना चल रहा है रेडियो में एंड आप कहीं गए हैं, आप बहुत जरूरी बात कर रहे हैं लेकिन अगर वो आवाज मतलब आपके दिल को छुई है तो आप पलट के एक बार जरूर पूछेंगे ये कौन सा गाना है भाई, कौन सिंगर है। सो दिस हैपेंस व्हेन यू आर इन लव विद द वॉइस एंड आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू कि भाई गीता दत्त जी भी इज वन ऑफ द सिंगर। इवन पता है टुनटुन जी, शी इज वेरी मतलब क्लोज टू मी, मतलब मुझे बहुत पसंद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक कॉमेडियन कैन बी सच अ गुड सिंगर। मतलब उनका अफसाना लिख रही हूँ सुने या एक दो और उन्होंने गीत गाए हैं वो अगर हम सुने, इतना ज्यादा मतलब अपील करती है वो आवाज, यू नो द वे शी यूज्ड टू सिंग। एंड उस जमाने में एक्चुअली सभी ऑलमोस्ट जो सिंगर्स थे आप देखिए सबकी वैरायटी अलग थी, एक सा कोई साउंड नहीं करता था। ये नाउडेज आजकल मुझे बहुत तकलीफ होती कभी कभी गाना पहचानने में क्योंकि सिंगर सेम साउंड कर, पता नहीं क्यों कभी कभी आई थिंक बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स या उनके जो आइडल्स हैं, आई थिंक वो सेम आइडल हैं एंड दे आर जस्ट कॉपिंग द आइडल। पुराने जमाने में क्या होता था जैसे टुनटुन जी भी अगर नूरजहां जी की फैन रही होंगी क्योंकि उसमें हल्का सा उनका कभी कभी टेक्स्ट आता था लेकिन कभी पूरा आवाज नूरजहां जी जैसा नहीं लगा बिकॉज वो उनको सुनती थी लेकिन वो अपने वे में गाती थी, अपने तरीके में, अपनी आवाज में गाती थी एंड दिस इज द रीजन कि कभी किसी की आवाज मैच नहीं की। अभी नाउडेज व्हाट्स हैपनिंग कि अगर कोई किसी का आइडल है तो वो उनको एकदम मतलब एकदम ज़ेरॉक्स मार देते हैं उसकी वजह से आपकी जो ओरिजिनलिटी है आपकी आवाज में, आपकी क्या गमक है, आपकी क्या रेंज है, आपकी क्या टेक्निक है, वो आप फाइंड ही नहीं करते हो क्योंकि यू आर सो मच बिजी इन टू लाइक कि ये जो किया ये बहुत अच्छा किया मैं सेम करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। सो दैट इज द रीजन कि आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो खो रहे हैं। बी ओरिजिनल, माय ऑलवेज फंडा इज के आपको लोग जानेंगे आपकी आवाज के लिए। आप अगर किसी को कॉपी करेंगे या आप अगर किसी को सुन के गा देंगे वो अप्रिशिएबल है क्योंकि वो भी बहुत टफ है, ट्रस्ट मी। मतलब सेम गाना इज रियली टफ, मतलब सेम हरकतें कमेंडेबल है यार, मतलब कितना मेहनत लगता है टू लिसन टू समवन एंड एग्जैक्टली वही हरकतें वही, क्योंकि जब सिंगर ने गाया होगा वो तो फ्री होके गा दिए, उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया होगा कि डाउन द लेन इतना ज्यादा लोग उसको कॉपी करेंगे कि यार क्या बात है ये हरकत अच्छी थी हम इसको यूज करेंगे। सो ये सब कोई सोचता नहीं है गाते वक्त। सो ये बहुत ज्यादा माइंड में रखने वाली बात होती है व्हाइल सिंगिंग व्हाट आई फील एंड आई विल डेफिनेटली डू अ सॉन्ग ऑफ गीता दत्त जी नेक्स्ट टाइम। आई लव हर। आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कुछ एक बुक्स के बारे में जो मतलब म्यूजिक से रिलेटेड है स्पेशली बिकॉज आई फील मेरी उतनी ज्यादा कलेक्शन नहीं है एंड आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट। लाइक जस्ट यू सेड कि गीता दत्त जी के बारे में एक बुक है जो आपने पता की है, आई वुड रियली लव टू फाइंड आउट दैट वेयर टू गेट इट आई डोंट नो। बुक इज ऑन गुरुदत्त, बुक इज ऑन गुरुदत्त बट उसमें गीता जी के बारे में भी काफी डिटेल्स उसके अंदर हैं। आई मे बी गेट टू नो द क्लासिक सॉन्ग्स दैट शी हैज बीन पार्ट ऑफ and initially she was a bigger star than Gurudatt. She used to she got mobbed in Paris and she used to perform in wow yaar what yeah. stories ye nahi pata tha mujhe, you know main kabhi kabhi purani movies dekhti hu purani ekdam purani black and white to usme Gurudatt ji ki humne pyaasa dekhi aur ek phool thi kagaz ki phool thi ya koi kagaz ki phool thi wo jo theater mein rehte hain and he oh my God, मतलब what, उस जमाने में कोई ऐसी मूवी सोच सकता है, मतलब how heartfelt, how emotional he might have been, you know, मतलब कितना कैसे सोचते होंगे, he never, मतलब उनकी मूवी में जो वो पोर्ट्रे करते थे हर चीज रियल लगती थी हर चीज एंड आई फेल इन लव विद कोलकाता ड्यू टू दैट यू नो। ओके सो कैन यू सिंग अ फ्यू लाइंस फ्रॉम यार दुआ। ताज न पूछे तख्त न पूछे और न पूछे जात, इश्क दसुआ जद गड़ जावे दिल से निकले आज, दुनिया सारी करे बुराई फिर भी राजी रहे खुदाई, दिल वालों की यही कमाई कहने ने हर बार, यार दुआ इश्क दी जद लग जाए हवा, यार दुआ इश्क दी जद लग जाए हवा।